अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं हम मालम जब्बा। तो ये पीछे आप देख रहे हैं ये एक पार्क सा बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है, चेयर लिफ्ट वगैरह लगी हुई हैं। तो बड़ा खूबसूरत मंजर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पे जा नहीं रहे, तो हमारा जो प्लान है वो बन गया वापस जाने का। यहाँ पे सर्दी जो है बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अभी हमारा प्रोग्राम है कहीं और जाने का, तो वहाँ जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे इंशाल्लाह दोबारा कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से विजिट करेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ। ये चेक करें, यहाँ पर बच्चे बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं और ये स्केटिंग के लिए उन्होंने बनाया हुआ है सारा ग्राउंड सा, और ऊपर जा रही है चेयर लिफ्ट, और वहाँ पे घर सा है, आपको पता नहीं नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, वहाँ से वायर वाला पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो उसके साथ आते हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। हमें वैसे घर वालों ने भी मना किया हुआ है कि चेयर लिफ्ट पर नहीं बैठना और इस तरह के एडवेंचर वगैरह नहीं करने, तो हम नहीं करने वाले। तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है यहाँ पर। अभी ऐसा है कि सुबह हमने इससे नाश्ता किया था तकरीबन 5 बजे, तो अभी तक खाया कुछ नहीं है, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो यहाँ पे नहीं खाएंगे, तो स्वाद आए थे चपली कबाब खाने थे, तो इसलिए नीचे जाएंगे और चपली कबाब खाएंगे, क्योंकि मुझे चपली कबाब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से हमने पूछा था ड्राइवर किससे कि जहाँ से चपली कबाब मिलते हैं, वो कह रहे हैं नीचे से मिलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नीचे जाएंगे, तो वहाँ से चपली कबाब खा के फिर हमारा नेक्स्ट आगे का प्रोग्राम है, तो वो नीचे जाके आपको बताते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं। प्रेशर है ना, एयर प्रेशर बन जाता है इसके ऊपर। नहीं मैं कहता मसाला ना ले यार, नहीं ये सही है, फ्रेंचाइज ले लो या एक मसाला ले लो, एक चीज ले लो, एक हमारी ले लो, एक अपनी ले लो। मैं ये ले लूंगा, आप ले लो। नहीं मसाला लेनी है ना, एक चीज लेनी है। मसाला फिर आप क्या करना। हाँ एक मसाला ले लो, एक दो। हाँ ये ले लिए, पता नहीं कितने कितने की होगी यहाँ पे। कैब भी लगी हुई है, लेनी किसी ने? नहीं भाई। हाँ ओए आहद आहद आ लो सांता क्लॉस। हेड भी पड़ी हुई है यहाँ पे, कैसी लग रही है? चले गए, तो अभी चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे यही तो देखने वाला, तो अभी नीचे चलते हैं। अभी हमारी गाड़ी देख लेते हैं, यहाँ पार्किंग में लगी है, तो वही बैठते हैं वहाँ। वो सामने चेक करें ग्लेशियर्स है कि पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ से वैसे पता नहीं ग्लेशियर्स होते भी हैं कि नहीं होते, नराकागांव वाली साइड से होते हैं, लेकिन सामने बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पर। गाड़ी कितनी दूर लगा दी है कि इतना चल के आ गए, तो गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची हुई। चले जी, हमारी गाड़ी आ गई है। आहद और मौसम जो है बार्गेन कर रहे हैं, तो इन बाइक के साथ ऊपर आए हैं, तो अभी इनके साथ ही नीचे जाना है, तो अभी दोबारा बार्गेन हो रही है। चले जी बैठ जाते हैं गाड़ी में। आज जो है मेरे सुन हो चुके हैं बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा लगी है, चिप्स वगैरह खा रहा है। फाइनली जो है सवाल पहुंच गए हैं, तो नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं यहाँ से, तो फिर चलते हैं अगला सफर तैयारी करते हैं। अभी आगे होटल में चपली कबाब ऑर्डर कर दिए। चलिए चपली कबाब हमारा आ गया, तो खाना स्टार्ट कर दिया, मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था, बाद में याद आएगा अभी ब्लॉग में दिखाना। चलिए जी गाइस खाना वगैरह भी खा लिए, तो अभी रिक्शा ले लेते हैं और चलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला अड्डे पे। खान साहब तुम हमारे पंजाब में आ, मैं हमको आपको हम 2 दिन में पंजाबी सिखा देगा, और सुना आएगा पंजाब? वो प्यार सब जुबान है यार। क्या पंजाबी बड़ी मीठी जुबान है? जुबान मीठी होगी लेकिन मुझे समझ नहीं आती उर्दू की। हमें पश्तो समझ नहीं आती, हमें पश्तो नहीं समझ आती यार। सता सलामीना कुम। गाइस टिकट हमने करवा ली है, तकरीबन 5 बजे की हमारी टिकट है, तो 5 बजे तक यहीं पे बैठते हैं, सन जो है इंजॉय करते हैं, फिर 5 बजे जाएंगे इंशाल्लाह रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से आके या तो मरी जाएंगे या फिर देखेंगे कहाँ जाते हैं। क्या ये लेनी है? नहीं, क्या
ये ले लो, जाओ 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 जाओ, इंजॉय करो, जाओ 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 जाओ। चले जी, अभी 5 बजे तक यहाँ पे बैठे हैं और देखते हैं, पीछे से गाड़ियाँ निकलती हैं, आती हैं जाती हैं, और शाम से आती है जाती निकलते हैं। जाने को हम कलाम भी जा सकते थे लेकिन थकावट इतनी ज्यादा हो गई थी, तो ये सफर मालन जबा का थोड़ा था, तो हमने कहा ये जो जगह है पहले कभी नहीं देखी, तो हमने कहा इस बार जो है लाजमी विजिट करते हैं और देखते हैं कि मालन जबा। कहते हैं सर्दी काफी ज्यादा होती है और साबित हो चुका है कि सर्दी जो है बहुत ज्यादा होती है। ये क्या लेके आ गए हो? अमरूद। वाह, थैंक यू थैंक यू। नमक लगवा लिया था? अभी इधर उधर घूम के तकरीबन आधा घंटा हमने निकाल लिया और आधा घंटा रह गया 5 बजने को। 5 बजने को तकरीबन आधा घंटा रह गया। अच्छा, तो हाँ तकरीबन 5 बजे ना फिर जाना। हाँ इंशाल्लाह, 4:34 ओके, यहाँ से इंशाल्लाह तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे रावलपिंडी को तकरीबन। चले चले, अभी बस में बैठते हैं जाके, तो इंशाल्लाह 5 बजे निकल जाएगी बस हमारी। चेक करें कितना प्यारा खूबसूरत मंजर लग रहा है पहाड़ियों का, सामने फर्स्ट डार्क पहाड़ियाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट होती जाती हैं, और इस तरफ चेक करें क्या खूबसूरत मंजर है। वैसे कैमरे पे आपको समझ नहीं आ रही होगी, काफ़ी खूबसूरत। सामान रखा दिए? सारे रख लो अपने कोल। चले जी गाइस, बैठ गए हैं बस में, तो अभी कुछ ही देर में बस चल जाएगी। पहुंच गए हैं हम रावलपिंडी, तो यहाँ पे देखते हैं खाना वगैरह खाना है तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो यहाँ से खाते हैं कुछ, फिर देखते हैं मरी की कोई बस वगैरह या वैन वगैरह जा रही है मरी तक के नहीं जा रही, तो अभी खाने का प्रोग्राम है, तो देखते हैं खाना कहाँ से खाना है। तो यहाँ से एक फूची रावलपिंडी की काफ़ी फेमस, तो वहाँ का जाने का प्रोग्राम है, देखते हैं वहाँ कैसे जाना है। अभी प्रोग्राम बनते हैं सारे, तो सारे डिसाइड करते हैं क्या बनता है। वैसे गाड़ी में हम सो गए थे तकरीबन आधा घंटा 2 घंटे तकरीबन सो गए थे, तो नींद वगैरह काफ़ी हद तक फ्रेश हो गए हैं। टैक्सी हो गई हमारी 350 होगी, तो ये लेके हम जाएंगे अभी फोर्थ स्ट्रीट रावलपिंडी की। ये है जी पिशावर की फोर्थ स्ट्रीट, देख लें कितना ज़्यादा रश यहाँ पे बना हुआ है। ये पीछे स्टेडियम है और वहाँ पे मेरा ख्याल सेवल फूड है, वहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे हम आए खैबर शिनवारी पे, तो इनका चेक करते हैं किस तरह का टेस्ट है। पिछली बार हम वहाँ पे आए थे, तो इस बार यहाँ पे आए। यहाँ पे बैठे तकरीबन घंटा होने वाला है, क्या आधा घंटा हो गया अभी तक खाना नहीं आया। हाथ का चेहरा देखने वाला है भूख के साथ, और मलक की भी बस हो गई है, मुजम्मल की भी बस हो गई है, और मेरी भी बस हुई है, अभी तक खाना नहीं आ रहा। बिती नहीं लगी। आ गया आ गया आ गया। चले जी, हमारी जो है वाइट चिकन कढ़ाई है, माशाल्लाह आ गई है, तो देखने में काफ़ी ज़रा मज़ा लग रहा है। अभी खा लेते हैं, टिक्का भी आ गया हमारा। चले जी गाइस, खाना खा लिया तो माशाल्लाह काफ़ी ज़रा अच्छा टेस्ट, तो अभी चलते हैं वापस। तो बस होगी दौड़ दौड़ के, हाल का बैग टैक्सी में ही रह गया था, टैक्सी के पीछे दौड़ा मिल गया मौसम और मैं दौड़ते रहे। हाँ शुरू हो गया, अभी हमने मरी जाना था, तो मरी का पता नहीं प्रोग्राम कैंसिल होता है क्या बनता है, जो भी होगा आपको बता देंगे थोड़ी देर। कहता अभी टाइम तकरीबन 11:30 हो रहे हैं, तो अभी हमारा प्रोग्राम बना है फैसलाबाद के, में बस को नहीं मिली, तो अभी मरी जाने लगे हैं। चले जी गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, तो ये हमारा रूम है, एक ये वाला बेड पड़ा हुआ है और एक ये बेड है, और साथ ही LED लगी हुई है, एक मैट्रेस जो है वो बिछेगा। तो अभी हम मरी में नहीं पहुंचे, हमारा प्रोग्राम हो गया, तो एक मतलब फिर चेंज, तो मरी वाली वैन में बैठे थे तो वो चली नहीं, तो हम दोबारा आगे होटल ले लिया और रात इंशाल्लाह यहाँ पे स्टे करेंगे, सुबह इंशाल्लाह घर वापसी कर लेंगे। तो ये था आज वाला ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक अल्लाह हाफिज़।